नमस्कार दोस्तों, यूनिक्यूएल ट्रेनिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक बुक का रिव्यू लेके आया हूँ, वो है सामान्य विज्ञान घटना चक्र 2020। ये काफ़ी अच्छी बुक है, किसी भी आप PCS लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बिहार दरोगा या कोई SI का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये। सामान्य विज्ञान की है ये, सामान्य अध्ययन भी इसकी आती है बुक, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये मैं 2020 में कई प्रिंट बुक है, और देखिए इसमें आप सबसे पहले विज्ञान की जो इसमें समरी है एक्सरसाइज की वो देख सकते हैं। इसमें फिजिक्स की जैसे कि यूनिट मात्रा के इसके इंग्लिश में भी आती है, आप हिंदी में एक ये बुक है तो आप देख सकते हैं। रसायन विज्ञान ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान इसमें, और भी जैसे कि अभी फिजिक्स से थोड़ा हट के कंप्यूटर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रमुख विज्ञान एवं आविष्कार क्षेत्र, ये सब की क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं, तो ये सब को ध्यान रखते हुए सारे PCS में जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसके क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये कैसे क्वेश्चन इसमें है और ये चैप्टर वाइज कैसे दिया गया। तो यहाँ पर देखिए आप जीव विज्ञान ये सारे यहाँ पे देख सकते हैं, केमिस्ट्री के बाद फिर यहाँ पे आपको बायो का सेक्शन मिल जाता है। तो ये देखिए पादप की और ये रोग का उपचार ये सब देखिए सारा, और इसमें विविध भी सारे के दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले फिजिक्स। देखिए फिजिक्स में जैसे ये बेसिक फर्स्ट चैप्टर है मात्रक और इकाई, तो इसके सारे नोट्स पहले दिए हुए हैं कैसे क्या होता है। देखिए CGS जैसे पद्धति होती है इसमें, क्यों CGS कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड को लेते हैं, इसलिए इसे CGS यूनिट कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसमें बेसिक्स नॉलेज भी दिए हुए हैं। इसके बाद इसमें सारे फॉर्मूले, आप अगर न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं फिजिक्स के तो वो भी इसमें काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, आपको रेलवे NTPC में भी ये काफ़ी वर्क करेगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, तो आप पहले बेसिक कर लेंगे फिर यहाँ से क्वेश्चन। देखिए सारे PCS के क्वेश्चन होते हैं, देखिए ये UPSC का क्वेश्चन है 2010 का, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे क्वेश्चन है। तो आप चलते हैं रसायन विज्ञान में, देखिए ऐसे करके आप फिजिक्स में वो एक बस एक चैप्टर का दिखाया गया मैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है काफ़ी, इसलिए मैंने बस एक चैप्टर का दिखाया। ऐसे सारे चैप्टर्स के सबसे पहले नोट्स हैं और उसके बाद आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल लगाने को मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप पहले बेसिक कर लें और उसके बाद कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वो आपको ऑब्जेक्टिव लाने से पता भी चल जाएगा। और सारे ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल्स भी दिए हुए हैं, जो कैसे क्या हुआ उसका सॉल्यूशन भी डिटेल्स में बताया गया है, तो यहाँ काफ़ी अच्छा नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का सेक्शन है, यहाँ पे फिर नोट्स हैं, सो फर्स्ट चैप्टर है इस इनका परमाणु संरचना, तो उसके देखिए सारे काफ़ी अच्छे नोट्स में दिए हुए नोट्स के फॉर्म में। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव इसके सेट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे और काफ़ी देखिए ये BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1996-1999 UPPS में पूछा हुआ, तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप। उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल्स में दिया रहता है और चारों ऑप्शन का भी दिया रहता है डिटेल्स में सॉल्यूशन, जो कौन ऑप्शन होंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। यहाँ पे फिर देखिए बायो का सेक्शन है, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है जीव विज्ञान की उपशाखाएँ, और इसमें देखिए जितना लॉजी वाला है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से दिया हुआ, ग्राफ भी काफ़ी अच्छे से, पिक्चर की जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे पिक्चर भी यहाँ इसमें प्रिंट किया हुआ, काफ़ी अच्छी बुक है आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा दिया हुआ कैसे हो क्या होता है, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी लगाने को मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। आप 2020 की ये बुक आ चुकी है, आप इसे शॉप से ही परचेज करें मेरा सजेशन है, क्योंकि शॉप में आपको ये बुक 200 या 190 के अप्रोक्सीमेट मिल जाएगी, जो कि इसका प्रिंट रेट 270 रुपीज़ होगी, और अगर आप यहाँ फ्लिपकार्ट या अमेजन से इसे बाई करते हो तो वहाँ पे आपको 270 रुपीज़ ऊपर से डिलीवरी चार्ज भी लग जाएंगे। तो आप किसी अपने नज़दीकी शॉप पे जाएं और 2020 का घटना चक्र बुक बोलेंगे सामान्य विज्ञान की, तो आपको मिल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।